अस्सलाम वालेकुम जी, आज बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, चिकन चिली विद राइस। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं चिकन की मैरिनेशन कर लूँ। ये मैंने स्ट्रिप्स में इस तरह चिकन कटवा लिया है और ये इसमें पहले चला जाएगा। इसको पहले अच्छी तरह मैरिनेट करके रख लेंगे तो बाकी चीज़ें बाद में बनाती हूँ। अब इसके अंदर एक अंडा चला जाएगा, एक टीस्पून इसमें काली मिर्च चली जाएगी और एक ही टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा। टेबलस्पून इसमें मैं चिकन पाउडर डालूंगी और आधा टीस्पून के करीब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके और आधे घंटे के लिए मैं ढाँप के रख लेती हूँ, तो फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बाकी मैरिनेशन में आधे घंटे के बाद इसमें चिकन में डालूंगी। तो इसको मैं कवर करके एक साइड पर रखने लगी हूँ। यहाँ पे देखें जी, चिकन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसको मैं कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए एक साइड पे कर दूंगी और उतनी देर में मैं अपने राइस बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 5 कप पानी के डाल दिए। 3 कप चावलों के थे और इसमें मैंने 5 कप पानी के डाल दिए। आधी प्याली के करीब इसमें मैं ये कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। 3 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक के डाल दूँगी। और इसमें मैं चिकन पाउडर डाल दूंगी, इससे चावलों का टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। ये चला जाएगा। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं सिरका डाल दूंगी। आधा टीस्पून के करीब इसमें मैं चाइनीज सॉल्ट डाल दूंगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। और इसमें मैं पिसी हुई काली मिर्च डाल दूंगी और यहाँ पे मैं पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आता है तो फिर इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, तो अब मैं इसकी पानी का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे देखें जी, पानी में अच्छे से उबाल आ गया है और ये जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे ये इसके अंदर चले जाएंगे। इसके लिए मैं चावलों को कवर करके रख दूँगी ताकि पानी में उबाल आ जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, चावलों में अच्छी तरह उबाल आ गया है और इसका मैं पानी ड्राई होने तक इंतज़ार करती हूँ। और नमक इस कैन में मैं टेस्ट करूँगी, अगर नमक कम होगा तो मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। और आप अपने चावलों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो ज़्यादा फूलते हैं तो आप थोड़ा सा नमक चेक करके तो एंड में फिर भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं पानी के ड्राई होने का वेट कर रही हूँ, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और अब इसको मैं कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और उतनी देर में मैं अपना चिली चिकन बनाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें डालती हूँ। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब भर के कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी और 1 ही टेबल स्पून इसमें मैं मैदा डाल दूँगी। एक टेबल स्पून के करीब इसमें मैं हॉट सॉस डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी और अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। अच्छी तरह मैं मिक्स करती हूँ और आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखें तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आपकी भी परफेक्ट रेसिपी बनेगी और मेरी रेसिपीज बनाते हुए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं। तो अब मैं इसको फ्राई करती हूँ, अच्छी तरह मिक्स कर लूँ इसको, फिर मैं फ्राई करती हूँ। यहाँ पे देखें जी, ऑयल गर्म हो गया है और चिकन का एक एक पीस उठा के मैं इसमें ऐसे डालती जाऊँगी और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँ। यहाँ पे देखें, सारा चिकन मैं इसी तरह फ्राई करती जा रही हूँ। आग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, दरमियानी आग पे मैं इसको फ्राई करूँगी, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। अब बिल्कुल हल्के हाथों से मैं कांटे की मदद से इसको ऐसे हिलाती जाऊंगी ताकि इसकी मैरिनेशन उतरे नहीं। ये देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं इस तरह उतरेगी। इसको मैं ऐसे हल्की आग पे फ्राई कर रही हूँ और 5 मिनट इसको मैं मज़ीद इसी तरह फ्राई करूँगी, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मैं चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज करूँगी और ये देखें, बिल्कुल भी इस तरह इसकी मैरिनेशन नहीं ख़राब होती। और इसको ऐसे मैं इसको ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना, हल्का सा गोल्डन कलर देना है। 5 मिनट के लिए इसको मैं मज़ीद फ्राई करती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, चिकन को इतनी ही देर फ्राई करना, ज़्यादा इसका कलर गोल्डन नहीं करना,
अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ और बाकी का चिकन भी इसी तरह इसमें फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एक और पैन लूँगी और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें ये मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। ज़्यादा ऑयल इसमें अभी नहीं डालना, टेबल स्पून के करीब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करूँगी। लहसुन और अदरक को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसमें ऐसे फ्राई किया। आग बिल्कुल मैंने नीचे स्लो रखी हुई है। तो अब इसमें मैं बाकी चीज़ें डालती हूँ। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये सोया सॉस डाल दूँगी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैं हॉट सॉस डाल दूँगी। इसको भी अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लूँगी। टीस्पून के करीब ये मैं कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दूंगी। आग मैंने बिल्कुल स्लो रखी है वरना ये सारे मसाले जल जाएंगे। बिल्कुल दम वाली आग पे ये मैं काम कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगी। टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ये चिकन पाउडर डाल दूंगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। टीस्पून इसमें मैं काली पिसी हुई मिर्च डाल दूंगी। इसको भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ डाल दूंगी। ये प्याज है, इसको भी मैंने ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिया है, ये इसमें चला जाएगा। एक और शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने ऐसे इसी तरह स्ट्रिप्स में काट लिया, ये भी इसमें चली जाएगी। और एक टमाटर है, उसको भी मैंने ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिया, वो भी इसके अंदर चला जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। यहाँ पे मैं 8 से 10 बादाम हैं, उनको मैंने भिगो के छील लिया था, वो भी इसके अंदर चले जाएंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। सारी चीज़ों को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसमें सौते करना है अच्छी तरह। और ये कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया था, इसमें 2 या 3 टेबलस्पून के करीब मैं पानी डाल के इसमें मिक्स करके डालती हूँ। सब्जियों को ज़्यादा देर नहीं पकाना, ये क्रंची क्रंची इसमें अच्छी लगती हैं। तो ये कॉर्नफ्लोर मैंने पानी के साथ मिक्स करके रख लिया था, ये इसमें चला जाएगा। और इसको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत मज़े की एक सॉस बन जाएगी। अब इसके अंदर मैं ये वाला चिकन डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैं चिकन के साथ मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना इसका खूबसूरत कलर आ गया है। और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही पकाती हूँ। तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ पे आके 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं केचप डाल दूँगी। इसको भी अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर दूँगी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देना। यहाँ पे देखें जी, चिकन चिली का कितना खूबसूरत कलर आया। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद करती हूँ तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, चिकन चिली विद राइस हमारे बनके तैयार हो गए हैं। और इसे मैं सब्ज़ प्याज के साथ ऊपर से गार्निश करूँगी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें। और मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।